रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। जिला मुख्यालय हमीरपुर में कुल्लू की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 29 वर्षीय महिला की लाश हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में किराए के कमरे में बरामद हुई है। मृतिका की पहचान पूनम कुमारी पत्नी सुमित कुमार गांव शिरड़ रायसन जिला कुल्लू के रूप में हुई है। मृतिका का पति कुल्लू में भुटिको में कार्यरत है और 5 साल का बेटा स्कूल में पढ़ता है। पुलिस जांच कर रही है कि महिला की मौत हृदय गति रुकने से हुई है या किसी अन्य कारण से। जिला मुख्यालय हमीरपुर में कुल्लू की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 29 वर्षीय महिला की लाश हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में किराए के कमरे से बरामद हुई है। मृतका की पहचान पूनम कुमारी पत्नी सुमित कुमार गांव सिरड़ जिला कुल्लू के रूप में हुई है। मृतका का पति कुल्लू में बुटको में काम करता है और 5 साल का बेटा स्कूल में पढ़ता है। पुलिस जांच कर रही है कि महिला की मौत हृदय गति रुकने से हुई है या किसी अन्य कारण से। मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पूनम हमीरपुर में ऊन उत्पाद बनाने वाली फर्म बूटी को सेल सेंटर में कार्यरत थी। रोजाना की तरह रात को अपनी दुकान से ड्यूटी करने के बाद पुनः अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन सुबह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। दूसरे कमरे में उसके साथ रह रही युवती ने पुलिस को सूचित किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि युवती की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पता चला है कि घटना की सूचना मिलते ही बूटिको संस्थान के अधिकारी भी कुल्लू से हमीरपुर रवाना हो गए हैं। उधर DSP हेडक्वार्टर हितेश लखरपाल ने बताया कि किराए के कमरे में से एक युवती की लाश बरामद हुई है। युवती की मौत कैसे हुई है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मृतका के परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।